सोहे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi Mi 11 Lite स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन इंडिया में 22 जून को लॉन्च हो चुका है, लेकिन ये स्मार्टफोन पर अभी तक किसी ने प्रोज एंड कॉन्स के बारे में वीडियो नहीं बनाया था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स फ्यूचर के बारे में और इसकी पूरे डिटेल बताने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो के प्रोज एंड कॉन्स फ्यूचर के बारे में। दोस्तों, ये स्मार्टफोन पर जो डिस्प्ले दिया गया है वो 6.55 इंच की एक फुल HD सुपर एमोलेड 10 बिट वाला डिस्प्ले दिया गया है। नो डाउट डिस्प्ले दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस पर जो सिक्योरिटी फीचर जो दिया गया है इस पर दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होता तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि इन डिस्प्ले आज तक का हाइप और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्प्ले है। और दोस्तों, इस डिस्प्ले पर जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए, लेकिन इस पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, जिसके कारण दोस्तों इसका एक डाउनग्रेड पॉइंट माना जाता है। और 10 बिट HDR है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्प्ले है दोस्तों। दोस्तों, अगर इसकी बैक साइड बिल्ड के बारे में बात करते हैं तो बैक साइड दोस्तों पॉलीकार्बोनेट डिज़ाइन नहीं है दोस्तों। इस पर दिया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, जो कि फ्रेस्टिक डिज़ाइन के साथ आता है। लेकिन इसके जो फ्रेम है दोस्तों वो एल्युमिनियम फ्रेम होना चाहिए, जो कि प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है। और दोस्तों, अगर ये स्मार्टफोन की बात करते हैं कैमरा फीचर के बारे में, तो नो डाउट कैमरा फीचर भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है, जो ट्रिपल कैमरा के साथ आता है। इस पर दोस्तों इन्होंने दो दो सेंसर वाला सिस्टम हटा दिया है, क्योंकि इस पर जो मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो। दोस्तों, मैं इसका कुछ कैमरा सैंपल स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप लोग देख के जज कीजिए क्या कितना इंटरेस्टिंग और कितना अच्छा है। इसका सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया, जो कि 32 मेगापिक्सल कम से कम होना चाहिए था, क्योंकि इस बार जो दोस्तों Redmi Note 10 Pro है उसमें भी दोस्तों 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि इससे काफ़ी अच्छे फोटो ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर ये स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन 6128 22,000 का आता है, लेकिन दोस्तों जो कि इसका फ्यूचर है वो Redmi Note 10 Pro से मैच करता है, तो उसका जो दोस्तों Redmi Note 10 Pro का प्राइस वो 17,000 के अंडर है, लेकिन ये 22,000 के आसपास इसका प्राइस चल जाता है। इस प्राइस में ये जज नहीं करता है दोस्तों, लेकिन अगर इसको फर्स्ट सेल में आप लोग बाय करना चाहते हैं तो इसके दौरान इसको इस पर 3,000 का डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि दोस्तों 1500 रुपया का इफेक्टिव डिस्काउंट। और अगर आप लोग HDFC के कार्ड से बाय करते हैं तो इस पर 1500 रुपये का और डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि इसका इफेक्टिव प्राइस आ जाएगा 18,000 to 19,000 के अंडर। लेकिन दोस्तों, अगर ये स्मार्टफोन के कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन जो कि ठीक ठाक है, लेकिन जिस प्राइस पर दोस्तों ये बाद में सेल जाएगा उस प्राइस से दोस्तों अगर 1,000 और बढ़ा जाएगा जाए दोस्तों OnePlus Nord CE 5G स्मार्टफोन हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, अगर बात करते हैं ये स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस पर दिया गया है Qualcomm Snapdragon 732G एक 4G प्रोसेसर, जिस पर दोस्तों GPS ग्लोनास सारे फीचर दिया गया। लेकिन दोस्तों, जो 4G प्रोसेसर दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस पर जो इस प्राइस पर ये इंडिया में लॉन्च हुआ है, इस पर अगर Snapdragon 750G प्रोसेसर होता तो काफ़ी अच्छा होता, जैसे कि दोस्तों Xiaomi ने इस चीज़ पर क्लेम किया है, बताया कि अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं तो इसका एक 5G वेरिएंट भी इंडिया में आने वाला है, जिस पर दोस्तों Snapdragon 785G प्रोसेसर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, उसका प्राइस भी उतना ही हाई हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि Snapdragon 732G के साथ दोस्तों ये 22,000 पर लॉन्च हुआ है, तो उस प्राइस पर दोस्तों ये लगभग अंडर 30,000 के आसपास इंडिया में लॉन्च हो सकता है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए अपना राय, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।